शुभोदय बच्चों, मैं श्री रमा आपकी हिंदी टीचर हूँ। बच्चों, आज हम दादी का गांव पाठ तीन से भाषा माधुरी के भाषा अभ्यास के बारे में जानेंगे। पहला वाला क्या है, नीचे दिए गए चित्रों को देखते हुए सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर जो चित्र हैं, इन चित्रों को देख करके यहाँ पर हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, सही शब्द चुन करके यहाँ पर वाक्य पूरे करना है। तो ये क्या है, क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है, मकान। शहर में ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। मकान का मतलब क्या है, बिल्डिंग। ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, कहाँ पर होते हैं, शहर। शहर का मतलब क्या है, सिटी। सेकेंड वन, ख, शहर में बहुत भीड़ होती है। एक ऐसा चित्र है, भीड़, रश। सिटी में रश होती है, बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं ना, रश होती है। ये क्या है, बस। शहर में बसें तेज, तेज मतलब फास्ट चलती है, बस है। यहाँ पर शहर में बसें जो है बहुत ही तेज चलती है। ये क्या है, हवाई जहाज। शहर में हवाई जहाज उड़ते हैं। शहर में क्या, एयरपोर्ट वगैरह होता है ना, वहां से गांव में तो एयरपोर्ट नहीं होता है, लेकिन शहर में होता है। क्या होता है, एयरपोर्ट होता है। वहां पर एयरपोर्ट को क्या कहते हैं, हवाई अड्डा। हवाई अड्डा से क्या उड़ते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज उड़ते हैं। ये है ट्रेन। ट्रेन को क्या बोलते हैं, गाड़ी। शहर में माल गाड़ी माल लाती है और ले जाती है। कैसा ट्रेन है, माल गाड़ी, अंटे गुड्स ट्रेन है। तो शहर में ये गुड्स ट्रेन जो है गुड्स लाती है। गुड्स का मतलब क्या है, माल, लाती है और ले जाती है। ये क्या है, फैक्ट्रियां, फैक्ट्री। फैक्ट्री से क्या निकल रहा है, स्मोक। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धुआं। शहर में चिमनियों से धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं, मतलब स्मोक निकलता है। बड़े बड़े फैक्ट्री के ये इससे धुआं निकलता है ना, वो ये भी वन एंड मैनी है। देखो, बिजली, बिजलियां, रेलगाड़ी, ट्रेन, रेलगाड़ियां, ट्रेन्स, गली, स्ट्रीट, गलियां, स्ट्रीट्स, लड़की, गर्ल, लड़कियां, गर्ल्स, कुर्सी, चेयर, कुर्सियां, चेयर्स, तितली, बटरफ्लाई, तितलियां, बटरफ्लाइज, नारी, वुमेन, नारियां, वुमेन, कहानी, स्टोरी, कहानियां, स्टोरीज। यहाँ पर दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्द लिखे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल के आधार पर हमें वर्ड्स लिखना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड्स दिया गया है, पढ़, पढ़ो, पढ़ते, लिख, लिखो, लिखते, कर, करो, करते, काट, काटो, काटते, सुन, सुनो, सुनते, भाग, भागो, भागते, हंस, हंसो, हंसते। दिए गए वाक्यों में हाई या हाई लगाइए। हाई का मतलब क्या है, सिंगुलर नंबर में हाई, प्लूरल, बहुवचन में क्या आएगा, हाई।
हाई सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, हाई बहुवचन। यहाँ पर पहला सेंटेंस, माला चली गई है। माला क्या है? सिंगुलर नंबर, एक लड़की का नाम है। वन गर्ल्स नेम इज माला, इट इज सिंगुलर नंबर, सो हाई। बच्चे चिल्ड्रन खेल रहे हैं, बच्चे मोर देन वन, सो खेल रहे हैं, डॉट वाली है। सभी, सभी का मतलब क्या है? ऑल, काम करते हैं, ऑल सभी काम करते हैं, यहाँ पर डॉट आएगी, सभी काम करते हैं। नाली साफ है, ड्रेनेज, नाली साफ है, बिना डॉट वाली है। आम पक गए, यहाँ पर आम सिंगुलर हो या प्लूरल आम ही बोलते हैं, पक गए हैं, गए आया है ना, इसीलिए यहाँ पर हैं आएगा, हाँ इस तरह से। सेवेंथ वन, शब्द सीढ़ी को दिए गए वर्णों से पूरा कीजिए। वर्ण का मतलब क्या है? लेटर्स, मा त ग थ, हाँ। तो शब्द सीढ़ी, यहाँ पर शब्द सीढ़ी है, यहाँ पर पजल है, दिए गए वर्णों से सही वर्ण लिख करके यहाँ पर फिल करना है। र थ रथ, यहाँ पर क्या है? सा थ सात, बा त बात, अगेन सा त सात, बा ग बाग, आ ग आग, नी मा नीम, मीनिंग्स बताऊंगी। रथ, रथ का मतलब क्या है? रधम बोलते हैं ना तेलुगु में, रधम। साथ मतलब साथ रहना, मिलजुल कर रहना। बात, बात करना। सात, सेवन, नंबर सेवन, सात। बाग गार्डन, आग फायर, आम मैंगो, नीम, नीम ट्री बोलते हैं ना, नीम। यहाँ पर सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। हेल्प बॉक्स दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। माली और मालिन, गार्डनर पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग, माली और मालिन, मालिन कहाँ पर है? ये वन क, माली और मालिन दोनों बगीचे में काम कर रहे हैं। यहाँ पर ख, वह औरत और आदमी चोरी करके भाग गए। औरत और आदमी, औरत और आदमी चोरी करके भाग गए। ग, मेरी कक्षा को अध्यापक और तेरी कक्षा को अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापक टीचर, मास्टर, अध्यापिका मैडम, अध्यापक का मतलब कौन है? सर। अध्यापिका का मतलब क्या है? मैडम, पढ़ाती है। धोबी कपड़े धोता है, धोबी वॉशरमैन कपड़े को क्या कर रहा है? धो रहा है, धोता है। और धोबिन वॉशर वुमेन उन्हें सूखने डालती है, सूखने के लिए डालती है। हमारे घर में एक मोटा चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग क्या है? चूहिया। और एक छोटी चूहिया है। बच्चों, इस वर्कबुक पाठ को अच्छी तरह से